भाई को जैसे एक बकरा चाहिए हो, 10 बकरे चाहिए हो, या पूरा लॉट का लॉट चाहिए हो, अरे वो माशाल्लाह दोस्तों, आज ये बाड़ा देखकर ना वाकई में दोस्तों आपको एक छोटा सा मिनी देवनार बोलकर याद आएगा। और इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें यहाँ पर आए, बकरे लाइव देखें और लाइव वेट करवाएं। और इंशाल्लाह यहाँ पर ही ऑफिस भी है माशाल्लाह बनी हुई, आप ऑफिस में आके बैठे बकरे देखें, जो पसंद आए उसका सौदा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अशफाक एंड यू आर वाचिंग टू इंडियन एनिमल अड्डा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, खैरियत से भाई? तो जो कि आज मैं शूट कर रहा हूँ, ये पड़गा में शूट हो रहा है और लाइव शूट कर रहा हूँ, और आज मैं हमारे रिजवान भाई के साथ में हूँ, जो कि बहुत से भाई लोग रिजवान भाई को जानते हैं। ईद के टाइम पर वो बकरे खरीदी बेच चुके हैं। तो आज रिजवान भाई हम लोग किस टॉपिक के ऊपर मेन वीडियो बनाने वाले? ये रिहान गुड फार्म भाई अपने अंडर में है। ओके, अपन थोड़ा संभाल लें इसको। और ये बकरे अभी आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये बकरे रिहान गुड फार्म पे जो सेकंड पहला ब्रांच है नासिक, अच्छा वहाँ पे ये सब बच्चे आए थे छोटे और वहाँ तैयार हुए, आप इनकी तैयारी देख सकते हैं। वाकई में माशाल्लाह, ये मतलब सेल्फ फीडिंग के ऊपर है रिजवान भाई? सेल्फ फीडिंग पे सब तैयार हुए हैं माशाल्लाह ये बच्चे। यानी इनको कोई मतलब एक्स्ट्रा फीडिंग वगैरह चल रही है क्या, मतलब जैसे कोई मसाला वगैरह या कुछ? मसाला वगैरह नहीं भाई, इनका अलग से पूरा एक डाइट है। अच्छा, डाइट प्लान इनका वहाँ पे रिहान गुड फार्म का एक अलग से डाइट प्लान है पूरा। अच्छा, तो हिसाब से ये पूरा खाते पीते हैं और आप इनकी ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं। वाकई में माशाल्लाह मेरे को रिजवान भाई बहुत अच्छी ग्रोथ लगी, शाइनिंग भी बहुत अच्छी है बकरों के अंदर, और जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजस्थान के अंदर ही शूट कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं ये। असल में जो बकरे हैं ये कितने वक्त से आपके पास में है रिजवान भाई? भाई ये छोटे बच्चे आए थे, 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं। अच्छा, तो खरीदी करके आए थे और आज इनको समझ लो अपने पास हो गया, करीबन 10-1 महीने हो गए। अच्छा, जब 25 से 30 किलो के बकरे सब आए थे अपने पास। आज इनका वजन आप देख सकते हैं कि क्या वजन पे है। क्या एक वजन रहेगा अंदाजन भाई? अंदाजन ये सब 70 किलो के ऊपर के बकरे है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, 75 किलो 80 किलो ऐसे बकरे आएंगे। अपने वजन भी कर लेंगे, जो भी कम ज्यादा यहाँ वहाँ होगा उसका लाइव वेट भी देख लेंगे हम। सही सही सही, जो बनावट है आप अपने व्यूअर्स को करीब से दिखाओगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं अभी आपको बकरे एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ। आप इनकी चमक देखिए, आप इनकी बनावट देखिए माशाल्लाह, ए टू जेड जैसा इनका फ्रंट है वही उनका बैक है माशाल्लाह। इनकी गले वगैरह की पट्टी देखिए, फ्रंट सीना वगैरह देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी रवादे वगैरह लटकी हुई है, बड़ी लूज स्किन के बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह, बहुत अच्छी एकदम। वाकई में रिजवान भाई, और आज तो भाई हम लोग को मौका मिल गया माशाल्लाह आपका शूट करने का। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, हमारे रिजवान भाई के साथ में ताल्लुक बहुत अच्छे है और माशाल्लाह। और एक सवाल रहेगा रिजवान भाई मेरा, आपने भाई क्या क्यों ज़रूरी समझा हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो डालने का, हालांकि आपका भी यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है, तो आपने क्या मतलब क्या सोचे ऐसा कि हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बताना? भाई देखो, अपने वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अपने वहाँ कोई भी आए और आप मेरे बहुत खास दोस्त हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बुलाना मेरे को सबसे ज़रूरी लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहाँ आओ शूट करो। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वाकई में बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो अभी ये टोटल कितने बकरे हो गए रिजवान भाई? भाई अभी देखो अपन तो ये 4 बकरे निकाल के दिखा रहे हैं। अच्छा, बाकी ऐसे मेरे पास बकरे करीबन अभी 90 बकरे आए हैं। अच्छा, और अभी मेरा काम चालू है। और जो आपने बोले कि आपका फर्स्ट ब्रांच जो है नासिक के अंदर है, तो रिजवान भाई मेरे को एक कारण बताना कि बम्बई में मैंने सुना हो बहुत ज़्यादा पलाई का चार्ज लगता है, हर चीज़ में डबल पैसा खर्च होता है, तो भाई नासिक से यहाँ पर बम्बई में बकरे पालने का मकसद क्या भाई आपका, यानी आपको बेनिफिट लगता है या नुकसान लगता है इसके अंदर? भाई देखो, बेनिफिट और ये सब तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे एक हब है,
यहाँ अच्छा। लोग को इजी पड़ता है, ट्रैवलिंग के लिए आसान पड़ता है, लोग को आने के लिए आसान पड़ता है, बिल्कुल लोग आराम से बकरे आते हैं, संडे संडे देख लेते हैं अपने बकरे, पलाई पे रखते हैं, उनका बाहर निकलना भी हो जाता है। तो हर चीज़ यहाँ, अब नासिक में मैं अगर पलाई पे रखूँ और बकरे वहाँ रखूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लोग को जाना आना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो संडे संडे आ सकते हैं आराम से और अपने बकरे वगैरह देख सकते हैं और फार्म पे विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और आप मेरे फार्म पे कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है, आओ बकरे देखो। और ये सब बकरे अभी फॉर सेल हैं और ऐसे मेरे पास सोचे अभी 90 बकरे हैं और बकरे आने वाले हैं माशाल्लाह। यानी टोटल आपके पास में क्वांटिटी कितनी बकरों की है भाई? अभी रेहान गोल्ड फार्म नासिक में करीबन मैं समझता हूँ 1000 बकरे करीब अभी वहाँ पे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बकरे होंगे, बकरे करीब हैं और सब आएंगे इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे जैसा भी हमारा सेट होगा। अभी तो हमने यहाँ पे 300 बकरे की कैपेसिटी रखी है। तो रिजवान भाई मुझे एक और बात बताना, ये मतलब आपके पास में जो बकरे होते हैं या आप पलाई वाले रखते हो या फिर ओनर के खुद के स्पेशल सेपरेट बकरे पलते हैं? ये ओनर के खुद के पूरे खुद के बकरे, एक भी बकरा मेरे पास अभी पलाई का नहीं है और मेरे पास अभी जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद 1000। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा, मैं कहां से पलाई के बकरे रखूंगा। अभी 250 बकरे यहाँ अवेलेबल हो गए हैं अंडू माशाल्लाह, वो भी हम शूट कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर दोस्तों। तो हम रेहान गोट फार्म की सीरीज जो है दोस्तों इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इस बकरों की बात करूंगा दोस्तों। तो अब ये टोटल 4 नोज है, मतलब 4 नग बकरे। मैं बकरों को आपको एकदम नज़दीक से और एकदम एतमिनान से दिखा देता हूँ माशाल्लाह। आप देखिए दोस्तों इन बकरों की बनावट किस तरीके की है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के इनके जिस्म पर है ना दोस्तों, बालों का भी मतलब एकदम छोटे छोटे बाल है। तो माशाल्लाह इसमें आपको एकदम असल बनावट दिखेगी बकरों की। नहीं तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई बकरे में बाल ज़्यादा है या चर्बी ज़्यादा है, गोश्त कम है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कुर्बानी की बकरों में सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों का फ़ायदा देखना है, जैसे कि फ़ायदा नंबर 1, बकरे में कोई नुक्स ना हो, बकरा खूबसूरत हो और बकरा चारों पैर से मजबूत हो। और माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि कुर्बानी के बकरों के लिए हर ये खूबी इन बकरों के अंदर अवेलेबल मुझे तो नज़र आ रही है। अगर किसी भाई को कुछ डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं रेहान गोट फार्म का आपको। और ये जो पीछे जो नंबर है 7868822786, इस पे कांटेक्ट करें अगर किसी को भी इसके आप परचेस करना हो, जी जी भी उनके बात हो तो वो ये नंबर पर कांटेक्ट करें और पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। रेहान गोट फार्म का नंबर है ये? बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये हमारे असल ओनर का नंबर है? नहीं नहीं, ये हमारे पास रहता है आपके पास। अच्छा, यानी जी जी जी, समझ गया समझ गया। ये नंबर पर कांटेक्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फार्म की लोकेशन भी आपको ऐड कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो लोकेशन को टिक करना है और आपको डायरेक्टली आपके घर से फार्म तक का लोकेशन नेविगेशन हो जाएगा। और इंशाल्लाह दोस्तों इन बकरों की मैं प्राइस के बारे में भी पूछ लेता हूँ कि रिजवान भाई का क्या बोलना है। तो रिजवान भाई प्राइस के बारे में क्या बोलोगे भाई आप? भाई देखो प्राइस का तो हम लोग ज़्यादा रखे नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड भाव चलता है फार्म पे जी जी बकरों का, वो तो हर एक को मालूम है कि क्या भाव चलता है जी जी। तो हमने 500 रुपये किलो पर केजी रखा है, उसमें निगोशिएबल नहीं है। ओके, आइए बकरा पसंद कीजिए और जो भी वजन आता है वो हिसाब से पेमेंट आप करिए। माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार रिजवान भाई मेरे को बकरे थोड़े छोड़ के बताइए ना, मैं थोड़ा कवर कर लूँ बकरों को माशाल्लाह। और दोस्तों अगर किसी भाई को इनके वीडियो, दांत के वीडियो या कोई भी चीज़ के वीडियो चाहिए हो माशाल्लाह, वो पर्सनली देख सकते हैं। बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है दोस्तों। देखिए मैं अभी रेहान गोट फार्म पे मौजूद हूँ और यहीं पर अभी शूट कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे लग रहे हैं यार रिजवान भाई, ये वाकई में देखिए ना आप, वाकई में बहुत अच्छी बेहतरीन बनावट है और एक्टिव भी बहुत है माशाल्लाह बकरे। देखिए दोस्तों ये रेहान गोट फार्म है, जो कि आपके बैक साइड में जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है रेहान गोट फार्म का है। और ये पड़गाम में दोस्तों गोट फार्म अवेलेबल है और इंशाल्लाह यहाँ पर सारे ही बकरे अवेलेबल फॉर सेल है। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो, रिजवान भाई एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर तो भाई 786, वही नंबर 8822786। तो दोस्तों आपके आपको कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इसी नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर पीछे साइड में सिंगल सिंगल रोज़ भी बने हुए जिसमें कोटा बकरे और यहाँ पर सोजात बकरों का लॉट है माशाल्लाह। देखो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ सोजात बकरों की, आप लोग देखिए। और इंशाल्लाह जो भाई को जैसे एक बकरा चाहिए हो, 10 बकरे चाहिए हो या पूरा लॉट का लॉट चाहिए हो, देखो माशाल्लाह दोस्तों आज ये बाड़ा देख कर है ना वाकई में दोस्तों आपको एक छोटा सा मिनी देवनार बोलकर याद आएगा। और इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें यहाँ पर आए, बकरे लाइव देखें और लाइव वेट करवाएं। और इंशाल्लाह यहाँ पर ही ऑफिस भी है माशाल्लाह बनी हुई, आप ऑफिस में आके बैठे बकरे देखें, जो पसंद आए उसका सौदा करें और हमारे रिजवान भाई से या फिर हमारे स्टाफ लोगों से आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जजाकल्ला खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। तो अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो की तरफ।